मिस्टर पाठक, मिस्टर पाठक, आर यू ओके? हाँ सब ठीक है, आप रुकिए मैं आ रहा हूँ। ये दरवाजा अपने आप बंद कैसे हो गया? मिस्टर पाठक आर यू ओके? हाँ ये दरवाजा अपने आप बंद नहीं हुआ, पीछे मैकेनिज्म लगा हुआ। हाँ? तो खुलता है बंद होता है, खुलता है बंद होता है। आप चलिए मेरे साथ, चलिए। पहले तो ये मालती को मैंने मारा, अब तुम्हारी बारी है केडी। खून? नहीं नहीं, खून नहीं है ये, वो है क्या रोज सिरप जैसा जो फिल्मों में यूज होता है, जिसे खून दिखाते हैं लेकिन असली खून होता नहीं। और ये चादर जो कुछ समय पहले हवा में लहरा रहा था भूत के साए की तरह, वो इसके सहारे। तंगुस है जो दिखता नहीं है कैमरा में। ओह, तो इसका मतलब है ये सब कोई इंसान कर रहा था। लेकिन मिस्टर पाठक, व्हाट अबाउट लाइट्स, साउंड्स एंड एवरीथिंग? लाइट्स का तो बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन है। वो दीपावली में तुमने देखा होगा, जगमगाती हैं लाइटें, डिमडिमाती हैं, बिल्कुल वैसे ही सर्किट ब्रेकर। और साउंड, वो यहाँ ये ब्लूटूथ स्पीकर, जो सिर्फ यहाँ नहीं घर में जगह जगह रखा है। आइए दिखाता हूँ आपको। मिस्टर पाठक, वैसे आई मस्ट से थैंक यू टू यू। क्यों? व्हाई? आपकी वजह से ये पूरा केस मेरे फेवर में हो गया। अब देखिए ना, ये तो प्रूव हो गया कि यहाँ कोई प्रेत आत्मा नहीं है। इसका मतलब है खूनी कोई और नहीं बल्कि आपका क्लाइंट संजय। क्या देख रहे हैं? मैं वो देख रहा हूँ जो आपको नहीं दिख रहा। सुप्रीमो। हाँ सुप्रीमो साउंड्स एंड कंपनीज। जहाँ तक मेरी जानकारी है ये एक ऐसी कंपनी है जो फिल्म में जो इफेक्ट्स होते हैं उसके लिए सामान देता है। फोन नंबर भी है यहाँ। क्या आप कुछ कह रही थी सन? चलिए चलिए अदालत में समझाता हूँ आपको, आइए। इस सब के पीछे कौन है मिस्टर पाठक? योर ऑनर, ये ब्लूटूथ स्पीकर्स बहुत ही कीमती हैं। सुप्रीमो नामक एक कंपनी है जो ऐसे स्पीकर्स और फिल्मों में उपयोग किए जाने वाले स्पेशल इफेक्ट्स का सामान भाड़े पे देते हैं। इन स्पीकर्स के पीछे उनकी कंपनी का स्टिकर हमें मिला, जिस पर से उनका नंबर मिला है। हमने उन्हें फ़ोन करके पता लगाया कि ये सामान उनसे भाड़े पर किसने लिया था। उनसे हमने रसीद की कॉपी भी मंगाई, तो पता चला कि वो व्यक्ति जो इस समय अदालत में उपस्थित है यहाँ, उन्होंने ये सारा सामान सुप्रीमो से भाड़े पर लिया। ये वही व्यक्ति हैं योर ऑनर जो ये केस मुझ तक लेकर आए थे, मिस्टर नितीश मल्होत्रा। नितीश, तुम ये सब कर रहे थे? सर, मैं अपने जीजाजी की फिल्मों में कंप्यूटर ग्राफिक और स्पेशल इफेक्ट्स में काम किया करता था। अच्छा, तो वहाँ फिल्मों में जो सीखा वही घर पर आजमाया आपने? लेकिन सिर्फ उस रात के लिए सर, उसके पहले कुछ नहीं। सर, जैसे मुझे पता चला कि आप और प्रोसिक्यूटर रात उस घर में जाने वाले थे, तो मुझे लगा अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो मेरे जीजाजी बहुत ही मुश्किल में पड़ जाएंगे। एक बात, जरा बात मुझे समझने दीजिए। आपको जब पता चला कि गुनी जी और मैं वहाँ जाने वाले हैं, तो आपने अपना हॉरर खेल रचा ताकि हम वहाँ जाएं और हमें लगे कि वास्तव में उस घर में कुछ गड़बड़ है, और वही बात आकर हम यहाँ न्यायाधीश महोदय को कहे और न्यायाधीश महोदय हमारी बात मानकर, हमारी बात को सच मानकर आपके जीजाजी को रिहा कर दे। लेकिन अब अपने जीजाजी के साथ आप भी जेल में जाएंगे नितीश जी। मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। मैंने अदालत को चीट किया है, उसकी पनिशमेंट मुझे मिलनी ही चाहिए। लेकिन मैम, मेरे जीजाजी ने कोई खून नहीं किया है। अरे उन्होंने आज तक कोई झूठ नहीं बोला है। उस घर में जो हुआ असल में वो है, वो ना मैंने किया ना ही मेरे जीजाजी ने। सच में उस घर में कुछ तो है। आपको हम पर भरोसा नहीं है तो वहां बैठी है मिस सेठना, वो इस घर की पड़ोसी है, वो आपको बता देंगी। योर ऑनर, पिछले 30 साल से उस घर की जमीन के पास मैं रह रही हूँ। उस घर के बनने के पहले वहाँ पे कब्रिस्तान था, कब्रिस्तान में खंडर था। करप्ट बिल्डर ने रिश्वत देकर उस जमीन खरीद ली और उस पे घर बना दिया। रोजविला बन गया घर और शुरू हो गई प्रॉब्लम। सारी कब्रिस्तान की आत्माएं बेघर हो गई थी। सारी आत्माओं ने उसी घर को अपना घर बना लिया। मुझे अच्छी तरह से याद है वो पहली रात 3:10 हुए थे। इतनी रात गए, इस खाली घर में कौन है? मिश्रा जी, आप और उस दिन के बाद मैं उस घर की तरफ कभी नहीं गई। मैंने सोचा था कि मैं पुलिस को बता दूंगी, लेकिन इस बुढ़िया की बात कौन सुनता है? कोई नहीं। और जज साहब, ये इंसान सच बोले। इसने खून नहीं किया होगा मालती का। उस घर में आत्माएं भटकती है, उसी आत्माओं ने मालती का खून किया है, इस इंसान ने नहीं। मिसेस सेठना, हम यहाँ पर इस घर पर लगे हुए अंधविश्वास के ये जालों को मिटा रहे हैं और आप नए जाले बुन रही हैं। मैडम, एक मैं भी हूँ। मैडम, यूँ तो मैं भी आपकी तरह भूत प्रेत पे विश्वास नहीं करता, लेकिन उस घर में आने के अगले दिन बाद संजय जी ने मुझे प्लम्बिंग ठीक करने के लिए बुलाया था। लीकेज सब चेक कर लिए साहब, नीचे बेसमेंट में प्रॉब्लम लगता है, मेन पाइपलाइन का फॉल्ट उधर ही है। जाओ, जाकर चेक कर लो। ठीक है। मैं बेसमेंट में उतरा और वहां जो खराब पाइप था उसे ढूंढा कि अचानक मैंने अपनी आंखों के सामने देखा। कौन है? कौन है? Silence, please. देखा आपने जज साहब, इन सब ने उस घर की असलियत देखी है। अब तो मेरा यकीन कीजिए, उस घर में कुछ तो है साहब। और मैंने ये बात ब्रोकर मिश्रा जी को भी बताई थी, लेकिन उसने मुझसे कहा कि ये बात मैं किसी को ना बताऊं। मेरी बात को ये इन्होंने अनसुनी कर दिया। मिश्रा जी, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास कोई कहानी है जो आपने अभी तक हमसे गुप्त रखी है, कि आपकी छड़ी का वो रबर वहां तहखाने में मिला। तो देखिए पाठक साहब, मैं आपको बताता हूँ क्या है कि मैं ठहरा स्टेट एजेंट। मेरा धंधा है घर बेचना। हो सकता है मैं घर दिखाने के लिए किसी को वहां ले गया हूँ और वहां तहखाने में मेरी बैसाखी की रबड़ रह गई। अब इससे ज्यादा तो मैं कुछ नहीं कह सकता। तो आपके पास कोई हॉरर स्टोरी नहीं है बताने को? देखिए मैडम जी, ये सारी की सारी कहानी मनगढ़ंत है। अभी तक कुछ भी नहीं है इसमें। अब आप ही बताइए, मैं ठहरा स्टेट एजेंट, भला मैं कैसे कहूँगा कि उस बंगले में भूत है? अगर मैं ये कहूँगा कि उस बंगले में भूत है तो बिक चुका हो गया धंधा। अरे भूखों मरना पड़ेगा। मिश्रा कमीने, तूने धोखे से वो घर मुझे बेचा। तू जानता था पहले से उस घर में क्या है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मिस्टर संजय, प्लीज काम डाउन। मिस्टर पाठक, मिस गेरा, प्लीज अप्रोच द बेंच। जी योर ऑनर। मिस्टर पाठक, मिस गेरा, फिर से ये केस एक मर्डर के बदले हॉरर स्टोरी बनता जा रहा है। मिस गेरा, मालती की हत्या पर कोई ठोस मकसद मिला है आपको कि मिस्टर संजय ने उन्हें क्यों मारा? मिस्टर पाठक, अगर हत्यारा कोई और है तो उसके खिलाफ कोई सबूत? सर मैंने कुछ खोज की है मालती पर। आपकी आज्ञा हो तो मैं प्रस्तुत करूंगा। इजाजत। धन्यवाद योर ऑनर। पुलिस ने मालती के सामान की पूरी जांच की थी, किंतु उस समय कुछ मिला नहीं। तहकीकात करने पर मालती का एक और फोन हाथ में आया है। उसे ठीक कराने के पश्चात उसमें कुछ संदेश दिखाई दिए। मैं अदालत के समक्ष उन्हें प्रस्तुत करना चाहूंगा। ये तो किसी के धमकाने का मैसेज है। क्या मालती को कोई धमका रहा था? जी योर ऑनर, एक संदेश से तो ऐसा ही लगता है, जिसमें यह लिखा है कि अगर जैसा मैं कहूं वैसा नहीं करोगे तो तुम्हारा राज मैं दुनिया के सामने खोल दूंगा। और ये मैसेज संजय जी ने भेजा? हाँ, ऐसा आप चाहती हैं, लेकिन नहीं योर ऑनर। हमने पता लगाया है कि ये नंबर जहां से संदेश भेजे गए थे वो किसी अजय मारवा नामक व्यक्ति का है। अब ये अजय मारवा कौन है? योर ऑनर, मैं अदालत से निवेदन करता हूँ कि अदालत पुलिस को आदेश दे कि वो अजय मारवा को खोज निकाले। साथ में ये भी निवेदन करता हूं कि जब तक अजय मारवा जी मिल ना जाए तब तक कोर्ट की इस कार्रवाई को यहीं स्थगित कर दिया जाए। ग्रांटेड। दिस कोर्ट इज एडजर्न्ड टिल नेक्स्ट हियरिंग। साहब, ये नाम अजय मारवा मैंने कहीं देखा है या पढ़ा है। कहाँ देखा है ये याद नहीं आ रहा, लेकिन साहब याद आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। डोंट क्राई सनी। रो मत बेटा, प्लीज। सनी बेटा, सनी सोच के बताओ, ये पेंटिंग में अंकल कौन है? मैंने उनका फेस तो नहीं देखा। क्या ये मिश्रा अंकल है? रमोना जी, मैं सनी। हे सनी, ये बात तुम्हारा कोई नया दोस्त है क्या उस घर में? किसी से न्यू फ्रेंडशिप? सर, मैंने इसे कई बार पूछा कि इसे हवा में किसने उठाया, पर इसे कुछ याद नहीं है। सनी, एक बात बताओ, ये मालती आंटी की जो तुमने फोटो बनाई तो ये कैसे बनाई? कोई मिलने आया था उन्हें? मिलने आया था? देखा था तुमने कौन है वो? नहीं देखा? अच्छा। चलो मेरी फोटो बनाओ। अरे तुमने तो मेरी फोटो बना भी थी। थोड़ा अलग लग रहा हूँ मैं, चलेगा? कहाँ हो तुम? मैं आ गई हूँ, मैंने तुम्हें देखा है अंदर आते हुए। बाहर आ जाओ। कहाँ हो तुम? बाय। सेफ ना? समझ में नहीं आता कि जो औरत इस घर में आने से भी डरती थी वहां आई क्यों? और फिर ये गोल मिट्टी के निशान हैं, जैसे किसी छड़ी के नीचे लगे। छड़ी या फिर बैसाखी? हेलो, हाँ क्या? अच्छा ठीक है। अजय मारवा का पता चल गया। कैसे? नंबर जोगी की मदद से। कौन है? हम तो बोलना शुरू करेगा या वापस दो तुझे। सब ये सच है कि अजय मारवा मेरा साला है और उसका फोन भी मेरे पास, लेकिन सब कुछ दिन पहले चोरी हो गया। सब मेरे नंबर से किसी और ने किया होगा साहब। ये सब मालती को मैंने फोन नहीं किया साहब। जब मैं मालती को जानता ही नहीं तो मैं उसकी राज जानकर क्या करूंगा साहब? आप मेरी बात पर विश्वास कीजिए, मेरा इस खून से कुछ लेना देना नहीं है। और मिस्टर सेठ ना, उनको तूने क्यों मारा? बोल। मैंने नहीं मारा। सही कह रहा है रतन। ये जो हत्या हुई है ये उस घर में रहने वाले आत्मा ने की, और वो आत्मा तुम हो। बता तू सीसीटीवी कहाँ से है? ये रात और मैंने लगाया था। गुनिन जी के साथ जब गया था तब लगाया, लेकिन किसी को बताया नहीं। देखा अपने आप को? तेरी तो मैंने मारा हीरो के लालच में। कौन सा हीरो? मेरे पास है, मैं मिला कर देता हूँ। ये केस शुरू हुआ एक मेड के मर्डर से, फिर बात चली कि घर में कोई साया है, फिर मिसेस सेठना का मर्डर और अब ये हीरे। क्या कहानी है इनकी। 2 दिन पहले मुझे मिसेस सेठना ने अपने घर बुलाया था। ये हीरे असली हैं। असली है। मिश्रा, दलाली के धंधे में तुम्हारी बहुत लोगों से पहचान है। क्या दाम मिल सकता है इन हीरों का? मेरे हिसाब से 10-12 करोड़। मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूँ जो इन हीरों को खरीद सकता है, लेकिन वो आपके पास आएगा नहीं और ना ही आप उसके पास जा सकते हैं। क्यों? अभी 2 नंबर का धंधा है तो छुपछपा के ही करना पड़ेगा। क्यों ना एक काम करें, एक ऐसी जगह पर मिले जहाँ कोई आता जाता ना हो। मतलब ये कि आज रात रोजविला, मैं उसे बुला लूंगा, आप भी आ जाइए। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखिएगा, मेरा कमीशन पूरा 10% होगा उन हीरो के लिए, ताकि वो उन हीरो को मेरे जरिए ठिकाने लगा सके। लेकिन भगत साहब, मेरी तो नीयत खराब हो गई। उन हीरो को देखकर मैंने उन हीरो को चुराने और मिसेस सेठना का कत्ल करने का प्लान बना लिया और उन्हें बुला लिया रोजविला और कर दिया कत्ल। ऐसा झुला झुला कर मारा ताकि उसका इल्जाम रोजविला के भूतों पर आ जाए। ओ प्लीज, रोजविला में कोई भूत प्रेत आत्मा कुछ भी नहीं है। रोजविला में भूत है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। और ये संजय साहब बिल्कुल सच कह रहे हैं। मिस्टर पाठक, आपने उस घर के हॉल में वो सीसीटीवी कैमरास लगाए थे और उसी ने सब कुछ कैप्चर किया था, राइट? तो फिर इसमें जैसा मिश्रा जी कह रहे हैं वैसा तो कुछ भी नहीं है, ना वो लाल आंखें, ना वो सफेद बाल। इफ यू डोंट माइंड, क्या हम इसे दोबारा देख सकते? हो सकता है मेरी आंखों की गलती हो। थैंक यू सो मच। मिस्टर पाठक, मुझे तो अभी भी कुछ नहीं दिखा। शायद मुझे नहीं दिख रहा है, आपको कुछ दिखा क्या? कैसे दिखेगा, इनविजिबल है लेकिन सचमुच है। वो क्या होता है गुनी जी, कभी कभी कोई चीज विजिबल होते हुए भी लोगों के लिए इनविजिबल हो जाती है। नहीं, मैंने आपके वीडियो में तो कुछ नहीं देखा, लेकिन देखा कुछ जो विजिबल था लेकिन लोग देख लिए। योर ऑनर, मैं चाहता हूं कि आप हीरो के इस पाउच को ध्यान से देखें। योर ऑनर, मेरा संकेत है उस तहखाने की ओर जहां पर लाल मिट्टी है। योर ऑनर, और हीरो के इस पाउच पर भी आप ध्यान से देखेंगे तो लाल मिट्टी के अंश दिखेंगे आपको। प्रश्न यह है योर ऑनर कि ये हीरे उस तहखाने में होने चाहिए थे, लेकिन थे नहीं। थे ये मिसेस सेठना के पास। अब प्रश्न ये उठता है कि तहखाने से उठकर ये हीरे मिसेस सेठना के पास पहुंचे कैसे? लेकिन अफसोस, इस सवाल का हमें जवाब नहीं मिलने वाला है, बिकॉज शी इज नो मोर, शी इज डेड। इसीलिए ये जो भी चीजें आप बोल रही हैं ना, ये एक डेड एंड की तरह है मिस्टर पाठक। पंडित जी, जब एक रास्ता बंद हो जाता है तो दूसरा रास्ता खुल जाता है, उसे खोजना पड़ता है कभी कभी। योर ऑनर, करोड़ों के हीरे हैं, किसी की मिलकियत तो होगी, और मुझे पूरा विश्वास है कि जब हमें इन हीरो का मालिक मिल जाएगा, इस केस का समाधान भी साथ साथ मिल जाएगा। Well, I really hope so, Mr. पाठक, क्योंकि तब तक इस पूरे केस का सिर्फ और सिर्फ एक ही सस्पेक्ट है, मिस्टर संजय पुरी। ये केस तो और भी मुश्किल हो गया है सर। पुलिस ने अब संजय के साले नितीश को भी अरेस्ट कर लिया। आई एम फीलिंग रियली बैड फॉर अमोना एंड हर किड्स। पूरी फैमिली बेघर हो गई है सर। जीरा, एक काम करो, राठौर के पास जाओ, उससे रिक्वेस्ट करो कि पिछले 10-15 सालों में जो हीरों की चोरी हुई है उसका रिकॉर्ड निकाले। पता लगाओ कि उन हीरों की चोरी किसने की, कहां से की। मैं चाहता हूं कि ये छोटा बच्चा अपनी फैमिली के साथ ऑलरेडी बचा है। मेरी जिम्मेदारी है। मम्मा, मम्मा। हाँ? पापा वापस कब आएंगे? आएंगे बेटा। मुझे इस होटल में नहीं रहना, मुझे मुंबई जाकर अपने घर में रहना। सब ठीक हो जाएगा। अभी आ गए। तुम यहाँ? ये देखिए, 10 साल पहले मंगत राम जूलर्स का रॉबरी केस, 12 करोड़ के हीरे थे, अब तक मिले नहीं। इसमें तो लिखा है कि चोर पकड़ा गया, लेकिन उसने बयान दिया है कि वो हीरे उसके पार्टनर के पास है, वो पार्टनर जो कभी मिला ही नहीं। तो फिर चोर कौन है? हेलो, हीरवाड़ा जेल, मुझे जेलर साहब से बात करनी है। हाँ धीरा, बोलो। हाय सर, सर हमने हीरो को ट्रेस कर लिया है और येरवाड़ा जेल से उस चोर की फोटो भी फैक्स होने वाली है। अधीरा, ये है उस चोर की फोटो। योर ऑनर, पिछली अदालत में आपने मुझसे पूछा था कि क्या मिस्टर संजय पुरी की मालती को मर्डर करने की कोई ठोस वजह है? है, और वो वजह हमें मिल चुकी है योर ऑनर। योर ऑनर, हमें ये डॉक्यूमेंट्स मिस्टर संजय पुरी के बिस्तर के मैट्रेस के नीचे से मिले। आईडी कार्ड्स हैं ये, राशन कार्ड, पासपोर्ट एंड वेरियस अदर्स। ये तो मालती का फोटो है। जी हाँ, जिसका असली नाम सीमा सचदेव है। योर ऑनर, जैसे कि आपने उसमें देखा कि ये सब उसी के सब आईडीज हैं, और सीमा सचदेव के नाम के जब हमने इंक्वायरी की तब हमें पता चला कि पिछले 11 साल से पनवेल पुलिस स्टेशन में लोगों ने ढूंढ रहे फ्रॉड रॉबरी, इन सब केसेस के लिए। लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स मिस्टर संजय के पास? और जहाँ तक कि मेरा गैस कहता है, मिस्टर संजय पुरी को उनकी असलियत के बारे में पता चल गया था और वो उसे ब्लैकमेल कर रहे थे मिश्रा जी के फोन से, जो शायद उन्होंने चुराया होगा। और जब इन्होंने जो मांगा और मालती ने उन्हें नहीं दिया, तो इसी तेज में आके इन्होंने उसका खून कर दिया और फिर चोरी के बहाने से। ये झूठ है सर, मालती की असलियत मुझे नहीं पता थी और ये डॉक्यूमेंट्स मेरे पास नहीं थे। योर ऑनर, मुझे तो अब विश्वास होने लगा है कि ये जो भी हो रहा है, ये सब रोजविला में रहने वाला या रहने वाली वो आत्मा ही करवा रही है। और ये जो दस्तावेज मिले हैं, ये उस आत्मा ने ही वहां रोपित किए थे संजय जी को फंसाने। आर यू सीरियस मिस्टर पाठक? आत्मा? जी जी योर ऑनर, आत्मा ही है। गुनी जी, पता नहीं आप क्यों इंसानों में इस केस का हल ढूंढ रही है, आत्मा ही है। आई कांट बिलीव इट मिस्टर पाठक, आप ये जादू टोने में विश्वास रखते हैं और उसी के जादू टोना बिल्कुल मैजिक, जादू टोना। जादू टोना जो होता नहीं है, लेकिन जब होता है तो उसे कहते हैं आंखों का धोखा, नजरों का धोखा। नहीं, दिखाना पड़ेगा आपको, मैं दिखाता हूँ। देखिए वहाँ अब योर ऑनर, ये गेंद, ये बॉल जो सीढ़ियों पे उल्टा चढ़ रहा है, ये नजरों का धोखा ही है। हुआ ये था कि ये बॉल जो है, ये नीचे आ रहा था, किसी ने उसे उल्टा कर दिया, एडिटिंग करके रिवर्स शॉट बोला जाता है इसे। अब ये गेंद ऊपर चढ़ रहा है। इट्स अ कैमरा ट्रिक। बिल्कुल कैमरा ट्रिक कहिए, एडिटिंग ट्रिक कहिए, और इसका सबूत भी है मेरे पास। वो देखिए वो मकड़ी है दीवार पर, वो कीड़ा, तो वो उल्टा चल रहा है। अब दो ही बातें हो सकती हैं यहाँ पर, कि ये जो फिल्माया गया है, कोई इसे उल्टा चला रहा है या फिर वो कीड़ा उल्टा चल रहा है। कीड़ा तो उल्टा चलेगा नहीं, जिसका अर्थ ये होता है यार ऑनर के किसी ने इस शॉट को उल्टा करके चलाया है। हाँ गुनी जी, आप पिछली सुनवाई में आपने मुझसे वो फुटेज चलवाई थी जो मेरा कैमरा लगा हुआ था। आपने कहा था कि वो सफ़ेद बालों वाली, लाल आंखों वाली जो भूतनी थी, चुड़ैल थी, वो दिखाई नहीं दी आपको। एक बार फिर से मैं ये फुटेज चलाना चाहूँगा, इस बार ध्यान से देखिएगा। तो देखिए क्या, देखिए ध्यान से देखिए। देखा? मुझे तो कुछ भी नहीं दिखा मिस्टर पाठक, और ना ही मुझे। योर ऑनर, एक बार फिर चलाता हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। अब वो देखिए, जो आप देखना चाह रही हैं वो तो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जो दिखाई दे रहा है वो आपको दिख नहीं रहा। ये देखिए ये मोमबत्ती जो मेज पर रखी हुई है, जो मिसेस सेठना अपने साथ लाई थी, वो मोमबत्ती, ये देखिए अचानक आधी हो गई। ये इतनी जल्दी ये पूरी मोमबत्ती आधी कैसे पिघल गई? ये नहीं पिघली नहीं, मोमबत्ती तो अपने समय पर ही पिघली। किंतु योर ऑनर, किसी ने वो समय का फुटेज इस फुटेज में से निकाल दिया जिस समय में वो चुड़ैल वहां से गुजर रही थी। You mean वो हिस्सा जहाँ से वो डायन जो भी है वो इस फ्रेम से गुजरी और किसी ने उसे एडिट कर दिया है? Exactly, Your Honor. और केवल यही नहीं Your Honor, और कई सारी बातें हैं जो उस जादुई खेल से किसी व्यक्ति ने किया है। उदाहरण स्वरूप, वो फर्नीचर का यहाँ वहाँ हिलना, ऐसा तार लगाकर जो दिखाई ना दे। Your Honor, उस गेंद का अचानक गिरना, उस दरवाजे का खुलना बंद होना, घड़ी की सुई का तेज रफ्तार से घूमना, ये सब योर ऑनर किसी ने बड़ी चतुराई से किया है, किसी व्यक्ति ने। और सनी का हवा में उड़ना, हिप्नोटिज्म, हिप्नोसिस, पहले ये जादूगर जो भी था इसने सनी को हिप्नोटाइज किया ताकि उसे आगे कोई बात याद न रहे और फिर तारों का उपयोग करके उसे हवा में उड़ाया। जादूगर? कौन है जादूगर? योर ऑनर, ये जादूगर वही है जिसने 10 साल पहले वही हीरे चुराए थे जो इस समय हमारी कस्टडी में है। हीरों को चुराने के बाद उसने हीरो को वो जो कब्रिस्तान था जहां आज रोजविला खड़ा है उसी कब्रिस्तान के खंडेर में दफन कर दिया था। योर ऑनर, इस जादूगर का उस जुर्म में एक भागीदार भी था, सीमा उर्फ मालती। हुआ ये योर ऑनर की जादूगर पकड़ा गया किंतु मालती फरार हो गई। मालती ने स्वयं को बदला और मिस और मिसेस पुरी के यहाँ नौकरी करने लगी। फिर योर ऑनर वो जादूगर जेल से रिहा हुआ और हीरो को खोजता खोजता रोजविला तक पहुंचा। योर ऑनर, उस जगह की पूरी ज्योग्राफी बदल गई थी जहाँ एक समय कब्रिस्तान में खंडहर होता था जहाँ उसने हीरे गाड़े थे, वहाँ उसने रोजविला पाया। उसने खोजने का बड़ा प्रयास किया किंतु हीरे उसे मिले नहीं। फिर उसने मालती को ब्लैकमेल करना शुरू किया, ये कहकर कि अगर मालती ने उसका काम नहीं किया तो वो उसकी सच्चाई दुनिया के सामने ले आएगा। मिस्टर पाठक, कहानी तो बहुत ही अच्छी है लेकिन इसे आप साबित कैसे करेंगे? कहानी खत्म होगी तो खुद ब खुद साबित हो जाएगा सब कुछ, जरा धैर्य रखिए। डियर ऑनर, उस जादूगर ने और मालती ने मिलकर हीरो की खोज की किंतु हीरे मिले मालती को। मालती अब तक स्वयं को बदल चुकी थी। रोलर, हीरो की हिफाजत करने के तौर पे उन्होंने उन हीरो को मिसेस सेठना को दे दिए। जब जादूगर को इस बात का पता चला उसने मालती की हत्या की और उस हत्या के आरोप में पूरी साहब को फंसाया। लेकिन ये चोर, ये जादूगर है कौन? योर ऑनर, इस जादूगर का नाम प्रेम कुमार है, था। योर ऑनर, येरावाड़ा जेल में इसने सजा काटी और जेल से बाहर निकलने के बाद इसने अपना नाम जोगिंदर रख लिया। योर ऑनर, क्यों जोगी साहब? जोगिंदर जी, पूरी कहानी एकदम स्पष्ट हो गई है। मैं भी समझ गया, न्यायाधीश महोदय भी समझ गए, किंतु गुनीत जी अभी तक समझी नहीं है। प्लीज ये समझ जाएं, इसीलिए जरा वर्णन कर दीजिए अपनी भाषा में। हाँ, मैंने मालती को मारा क्योंकि वो संजय को मेरी हकीकत बताने वाली थी। मैंने उसे अंधेरे में चाकू से मारा और वो चाकू जल्दी से संजय के हाथ में पकड़ा दिया। नहीं, 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 तार से खींच कर दरवाजा बंद किया ताकि लोग समझे कि वहां पे एक आत्मा है। ऑर्डर, ऑर्डर, साइलेंस प्लीज। और वहीं मैं कोने में छुपकर मालती के फोन से मैंने पुलिस को बार बार फोन किया। मैं चाहता था कि लोग उस घर को शापित समझें और वहां पे कोई ना आए ताकि मैं आराम से वहां पे अपने छुपे हुए हीरे ढूंढ सकूं। और जब मैंने मालती को मारा तो मुझे लगा कि संजय को जेल हो जाएगी और उसकी फैमिली घर छोड़कर चली जाएगी। और वो साया जो मिश्रा जी ने देखा? सब मैंने किया। कभी किसी ने मिश्रा की छड़ी बेसमेंट में छूट गई थी और मैं उसी छड़ी से मालती को धमका रहा था, तभी शायद उस बच्चे ने मुझे पीछे से देख लिया और वो तस्वीर बना दी। सबको लगा कि मिश्रा था वो। ऊपर से मैंने मिश्रा का फोन चुराकर मालती को धमकी भरे मैसेज किए ताकि शक उसके ऊपर और भी ज्यादा जाए। और फिर केस को और कंफ्यूज करने के लिए मैंने मालती के सारे डॉक्यूमेंट संजय के बिस्तर के नीचे, सब मैंने किया, अपने हाथ की सफाई अपनी जादूगरी से। The defense rests here. यह अदालत प्रेम कुमार उर्फ जोगिंदर को मालती उर्फ सीमा सचदेव के कत्ल में दोषी पाते हुए उसे फौरन गिरफ्तार करने का हुक्म देती है और मिस्टर संजय पुरी को निर्दोष पाते हुए इस केस से बाइज्जत बरी करती है। फाइनली द केस ऑफ रोजविला इज क्लोज्ड। गुनी जी चलें। कहाँ? मतलब मैं अपने घर, आप अपने घर, और कहाँ? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.